मैं सरवन सिंह पंदेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जन सकत्र बोल रहा हूँ। जो आज नरेंद्र तोमर जी का बयान कल आया था कि अगर किसान कृषि कानून रद्द करने के अलावा कोई बात करे तो उनसे बात हो सकती है, तो ये सरकार का जो निर्णय है लगभग जब से वार्ता चलती रही, अभी वार्ता रुकी तभी से यही स्टैंड रहा है। ये इसलिए है क्योंकि कॉर्पोरेट का स्टैंड यही है, जो विश्व व्यापार संस्था उनका दबाव बहुत ज़्यादा है, तो कॉर्पोरेट को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। अगर देश में भारत के किसानों मजदूरों द्वारा चुनी हुई सरकार है, वो जो दावा करते हैं कृषि कानून अच्छे हैं, इसका फायदा हो जाएगा किसानों को, तो किसान क्या कह रहे हैं? जिनका आप फायदा करने की बात कर रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि ये हमारा जो जितना भी कृषि क्षेत्र उसको उजाड़ देगी, तो आप उनकी बात मानिए ना, तो आप देश के किसान की मजदूर की बात ना मानते हुए, उनकी आवाज़ का सम्मान ना करते हुए, भले ही उसे वो अन्नदाता कहे भगवान कहे, लेकिन उनकी बात नहीं सुननी, तो अगर वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो देश आने वाले समय में इन बातों का जवाब भारत सरकार को देगा। दूसरा, आज हम चीफ बॉर्डर जोन जो पावर कॉम के बिजली की समस्या संबंधी मिले हैं, जो पंजाब में 8 घंटे सप्लाई की बात कैप्टन अमरिंदर सरकार ने की है, और उसकी यकीन कराने की बात करें, गांव में जो कृषि क्षेत्र है उनमें 8 घंटे की सप्लाई पहले नहीं मिलती रही है, और जो इनके फीडर है जो खेती सेक्टर में वाले हैं, वहां किसानों को सप्लाई में जो बिजली की तारें हैं उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहाँ गाड़ियाँ नहीं है जिसके ऊपर ट्रांसफर लेके जाएं, लेके आए, और रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा पंजाब में दफ्तरों में अधिकारी करते हैं पावर कॉम के। सभी बातें हम लोग पावर कॉम के जो चीफ थे उनको बता कर आए हैं कि भाई ये समस्या हमारे हल कीजिए, नहीं तो संघर्ष करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है ऐसा कि हम आने वाले समय में इसका समाधान करेंगे। धन्यवाद। मैं सरवन सिंह पंदे